हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का वक्त है, शाम के बजे हैं 4:15 और यहाँ पर सब्जी काटने की तैयारी और बस अब सारे के सारे लगेंगे। मैं भी आ गई हूँ ऊपर से और आज रात का काम आज अभी दिन भर में निपटा दिया। तो कुछ आए थे सब्सक्राइबर हमारे यहाँ पर, आज गाँव में भंडारा था तो उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर आए हुए थे, तो कुछ हमसे मिलने भी आए तो जी थैंक यू सो मच, और उन्हें भी थोड़ा सा टाइम दिया। अभी जो है अपना शाम का सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि अब अच्छे से करेंगे गुड्डू के जन्मदिन की तैयारी। जो जो बच्चों ने बोला है वही सब बनाएंगे। इधर हमारे ये बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। अब बेचारे यही क्या करें, घेर में जावे हैं तो घेर वाले कहते हैं घर जाओ, घर आवे हैं तो घर वाले नु कहते आराम से खेल लो। बच्चों का बचपना है, आराम से कैसे घेर में तो नोनी कहते घर चले जाओ, पर बोर हो जा, कुछ खेलने को नहीं मिलता। यह है बात, कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम्हारा स्कूटर जल्दी ठीक करेंगे। तुम्हारे मौसा जी बैटरी निकाल कर ले गए उसकी दोनों, तो बैटरी उसकी चेंज करके ही लाऊंगे, बगैर खुद ही डाल के जाऊंगे। ठीक है भाई, चिंकी देख रही पिछले साल का व्लॉग, वो देख रही कि पिछले साल 8 अक्टूबर में मना था या फिर 9 अक्टूबर में मना था, तो इसे व्लॉग देख के जो है तसल्ली होगी। दिखाइए मुँह को, होगी तसल्ली? होगी होगी। तो अब क्या 8 अक्टूबर में मनागा दोनों का, ठीक है। और श्राद्ध चल रहे, कपड़े इनके आए नहीं, और श्राद्ध से पहले मैंने कहा भी था इन्हें कपड़े लेके आऊँगा, तो उन्होंने कह रहे थे इनको वही पहन लेंगे, कोई बात नहीं। बबल्स बनाने की कोशिश कर रही नंदनी, और ये आज चतुर्मास में गए थे ये भी गाँव में, वहाँ पे एक छोटा सा 5-4 दुकान का मेला भी लगा है, और इसमें ना जागे बनाओगी विजया, क्या घोलेगी इसमें ये देखो, पानी डाल के नहीं, वो तो कुछ जेल हो गए, ये तो नीचे से टूट रहा। देखो पहले इसमें कलर डालना, फिर उसमें पानी डालना, सब भूल बोल दिया, बस हो गया। तो कई सारे जनों ने बता दी है अपनी अपनी फरमाइश। गुड्डू ने बोला है मम्मी भाजी जरूर बनाना, पाव मंगा लेंगे, और उधर बन रही है मिक्स वेज और बनाएंगे उड़द की दाल जो धुली हुई होती है, वो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर जो एक दो सामान की कमी थी वो बाज़ार से तब तक आ जाएगा, और जब तक हम लोग जो है अपनी पूरी तैयारी कर देंगे। पहले प्रीति ने सारी सब्ज़ी फ्राई की और फिर जो है उनको मिक्स कर दिया, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पाव भाजी बनाने की तैयारी। भाजी हमारी तैयार है, बस इसमें जो है दोबारा से छौंक लगाना है। मटर नहीं थी मेरे पास में और भाजी मसाला कम था, पहले रखा हुआ था लेकिन कम था वो, तो अभी जो है इसमें मैंने बटर डाल दिया है, देसी घी डाल दिया है, और मैं इस तरीके से बनाती हूँ। लहसुन प्याज अदरक का जो है ये पेस्ट इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, सारी सब्ज़ी मैंने पका कर मैश कर ली है कुकर में, और बस बीच में सब्सक्राइबर भी आ गए थे, उन्हें भी थोड़ा सा टाइम दिया। तो आज मैंने बताया था चतुर्मास भी है हमारे गांव में, तो यहां पर बहुत सारे मेहमान गेस्ट आए हुए हैं पूरे गांव में, तो सब्सक्राइबर भी हैं कुछ उनमें से जो मिलने के लिए आ रहे थे दिन भर में। तो ये सारी चीज़ें फ्राई होने के बाद में सबसे पहले मैंने डेगी मिर्च डाली जो कलर वाली होती है, इसमें कोई भी तीखापन नहीं होता है, और फिर मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया था हरी मिर्च का। अभी डाल देते हैं थोड़े से हल्दी, नून, मिर्च, धनिया पाउडर, मसाले, और फिर डालूंगी मैं इसमें पाव भाजी मसाला। इन सब को जो है पका लेंगे अच्छे से, इनकी एक ग्रेवी तैयार कर लेंगे। साथ के साथ जो मटर है वो पहले तो नहीं आई थी, लेकिन अभी इसमें मिक्स कर दूंगी मैं और उन्हें भी अच्छे से पका लेंगे। तो उधर प्रीति ने भी डाल दी है मिक्स सब्जी में, और ये मटर तो ऐसे ही हो जाएंगी क्योंकि सफल मटर हैं ये, बहुत जल्दी से जो है बॉयल हो जाती हैं, पक जाती हैं। तो ये देखिए बस मैंने इतनी सी ही डाली है। उधर धनिया पत्ती भी आ गया था क्योंकि कई सारी चीज़ें गांव वाली रेडी से नहीं मिलती, और वैसे भी हमने अभी सब्जियां बाहर से पुराना मार्केट से मंगाई थी, तो ये मैंने पानी उबाल लिया था, तो ज़्यादा थिक लगने की वजह से भाजी मुझे ऐसा लग रहा था गाढ़ी है, तो उसे थोड़ा सा नॉर्मली कर रही थी मैं उसमें उबला हुआ पानी डाल के, और इधर तब तक हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये डाल दिया है मैंने इसमें पाव भाजी मसाला, तो इसके बिना बिल्कुल टेस्ट अधूरा रहता है। काफ़ी टेस्टी बनी थी, तीखी सी बनी थी, और तीनों सब्जियां बहुत बढ़िया थी, और प्रीति दाल की तो स्पेशलिस्ट है। और यहाँ पर मैंने देखिए ये डाल दी है सारी की सारी भाजी, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मुझे और पानी की कमी लग रही थी, अगर पानी की कमी लगे तो उबला हुआ गर्म पानी हम लोग इसमें डाल सकते हैं, तो मुझे अभी भी ये थिक लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा फिर डाला था। अभी ये हमारी प्यारी सी कसूरी मेथी और धनिया पत्ती, इससे जो है इसको गार्निश कर देते हैं। और
और आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन बच्चों ने बोला कि वो मिक्स वेज में है, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे ही बनाइए जैसे पहले बनाई थी। तो ये हमारी टेस्टी सी भाजी तैयार है और पाव भी आ गए हैं, बस अब केक कटने की बारी है। तो ये देखिए पककर हो गए तैयार, और जब तक हम लोग केक कट करके आएंगे ऊपर से तो तब तक ये ठीक हो जाएगी। हमारी भाजी बनकर तैयार है, बस पाव आ गए हैं, इनको सेकना बाकी है, लेकिन उससे पहले केक कटिंग होगा। इधर दाल चढ़ा दी है, मिक्स वेज बन के तैयार है। और गुड्डू तू तैयार हो ले, चल जोड़ से भी तेरे सब नए कपड़े हों वे पहन ले। हाँ भाई देख, रात में तो आ नहीं सकते कपड़े, बाद में धुआ देंगे, है नहीं। और देखो ऐसा भूख लगी आज, ये सुबह 6 बजे के उठे हैं। मम्मी मैं पाव क्यों नहीं खाता, मुझे देते क्यों नहीं? चलो अच्छा फटाफट रेडी हो जाओ अभी तुम। मम्मी मुझे फिरो दो। हाँ चलो फिरो की पहनियो, चलो पिंक वाला। हाँ हाँ पिंक वाला। तो जी 7 बज गए हैं और सबसे पहले चाचा जी तैयार हुए। चाचा जी तो देख भी नहीं रहेंगे को तेजी में है बहुत ज्यादा है। आप भी हो जाओ रेडी। बस मुझे तो ये बदलना अपर। अच्छा तेरी तरफ कुल लग नहीं रहा भाई बिल्कुल भी, फोन तेरे पापा के मुंह पे देख ले चाहे। देख प्रज्ञा हो गई है रेडी एकदम से, कपड़े ये वाले पहन रखे इसने, और माँ भी तैयार होगी। और मानू कह रही मैं थारे तो सब तो पहले तैयार होगी। और इसने चाड़ी पहन ली है, और इसके कपड़े ये हैं, और इसे लहंगा पहना दिया मैंने, दुपट्टा नहीं लगाया नहीं तो लज्जेगी वैसे भी, हारा इसके। और ये भी तैयार है, सब तैयार है, बस मैं और प्रीति रह रही, बच्चे लगे हैं अपने काम में तैयारी के। ये देखो चिंकी, पूजा और चिंकी भी तैयार है एकदम। तो गाइस हम लोग हो गए हैं तैयार, तीनों देवरानी जेठानी, मैंने, रीति ने और दीदी ने सेम से कलर के कपड़े पहने, उनके भी थोड़े हैं क्यों ना। और इसने पहना है गिफ्ट वाला, बॉम्बे से आया था, काफी अच्छा लग रहा है। अरे हमें भी बोलने तो भाई, कितना अच्छा लग रहा है। आपकी मम्मी का सूट पहली बार पहना है, सिलवा सिलवा के रख लेती है, लेकिन प्रेस होने का डर रहा है इसलिए पहनती सुंदर लग रहा है। स्पेशल है माई की तरफ से सारी चीजें, और चिंकी के लिए तो माँ दो दो है, एक भी नहीं दो दो है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ये तो भाई बज गए हैं 7:30 और खाना वाना बना के तैयारी कर दिया उधर, खाना रख दिया और अब केक कटिंग सेरेमनी को अंजाम दिया जा रहा है यहाँ पे। सब अपने बर्थडे में अपना केक खोल ले ना, तो मैं भी अपने बर्थडे में अपना केक खोल। हाँ तो भी खोल ले। और यहाँ पे पाल फैमिली के सारे गडरी इकट्ठे हो चुके हैं, और चिंकी का बर्थडे है कल को, तो इसी में शेयर कर लेंगे इसका केक भी। चिंकी तू बैठने की जगह ढूंढ ले अपनी, है कोई बात नहीं खड़ी रह लेगी। और नंदनी, नंदनी पंजाबी लहंगा, इधर आओ बेटा कहाँ है। ए नंदनी खड़े हो गए, बताओ क्या पहन रहे हो। देख वो बोल तो ये दो लेयर का इसीलिए बनवाया है भाई, बड़ी बेटी का बड़ा केक नीचे, और ये जो ऊपरले वाली मंजिल है ये है चिंकी की, और दोनों का साथ में हो जाएगा। चिंकी कहाँ गई? चिंकी आओ यहाँ पे आओ, बर्थडे गर्ल, ये भाभी बर्थडे गर्ल है, जैसे कि भाभी प्रधान हो रहे हैं। पिताजी को ये छोटा सा स्टूल दे दिया, इस पर कुछ गद्दा रख दो, ये निचल है जगह सा। चलो भाई लो राम का नाम, टाइम हो गया है, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, नहीं तो Yeah।
नंदू कैसा है केक? ये चाचा थैंक यू चाचा। ये पूरा खाना बनाया मैं थोड़ा सा हिलाई क्योंकि आप पूरा नहीं खा रहे। हां नहीं पूरा खा ले लो पापा जी। ए बैठ तो जान दे। वे 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 तू चलो आ था अब समझ आया चिंकी लगो ऐसा लगा लगा गिफ्ट बोल प्रज्ञा बोल बानी मेरी क्लास में लिख रखी इसने तो 9th क्लास कटोरी होता उनकी गगन का है भैया हमें चम्मच दे दो। मेरे हाथ में दे दिया दे दिया लग रहा है चम्मच बना दे आपको कैमरे से पीछे खा लेती है मैंने उनके तो अलग ही हो सकल थैंक यू चीजी खाऊंगी चीजी चीजी पार्टी हो रही पार्टी पाँच पाँच तो गाइस अभी बज गए रात के 9:30 और सबने खाना खा लिया है। बस लास्ट में कोई भी नहीं रह रहा था सबने खा लिया बहुत जल्दी सा बन गया था। रोटी गैस के चूल्हे पे सेक ली फिर फूंक फूंक करने की जरूरत नहीं पड़ी बाहर निकाल लिया था और बर्तन वगैरह सब साफ हो गए। बस बड़े बर्तन रह रहे जिनमें खाना था क्योंकि अभी ये खाना खाने लग रहे हैं ना मैच देखते हुए आराम से सबसे लेट। चिंकी कैसा रहा बर्थडे? बहुत अच्छा रहा बहुत अच्छा रहा बहुत टेस्टी केक भी था और सारी चीज। बस कल को तो नहीं खाने केक लिया नहीं कैसी रही दावत? सब तो सी सी करते हैं घर में